नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि 19 अप्रैल को उषा पांडे पति इंद्रमणि प्रसाद पांडे निवासी बोदाबाग दोपहर बाजार से लौटकर घर जा रही थी, तभी पीछे से दो स्कूटी सवार अज्ञात बदमाश आए, गले से सोने की चेन को झपट्टा मारकर छीनकर फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी की और अलग अलग टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश में भेजी। सीसीटीवी सेंटर और साइबर सेल का सहयोग भी लिया गया। जानकारी मिली कि बदमाश प्रयागराज के रहने वाले हैं। पुलिस लगातार जिनकी निगरानी करती रही, मुखबिरों को एक्टिव किया गया। दूसरी घटना 5 जुलाई को हुई, जहां सीमा सिंह निवासी अनंतपुर ने भी मामला दर्ज कराया। तीसरी घटना 7 अगस्त को हुई, जहां शकुंतला त्रिपाठी निवासी अरुण नगर का पीछा कर सोने की जंजीर बदमाश झपट्टा मारकर छीन ले गए। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर तलाश करने पर आरोपी अजय कुमार भरतिया, ऋषभ केशरवानी और शुभम यादव निवासी प्रयागराज चाकघाट से गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। प्रयागराज पुलिस से बदमाश की आपराधिक हिस्ट्री की जानकारी लेने पर पता चला कि अजय भरतिया आदतन अपराधी है, जिसका थाना कर्नलगंज में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। लूटे गए जेवर को बेचने में मदद करने वाला राहुल कनौजिया को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में लिया है, जिससे रीवा जिले में चेन स्नेचिंग की अन्य घटनाओं का खुलासा हो सके।